दोस्तों यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि क्वाइनेक्स के थ्रू आप कैसे इंडियन करेंसी में किसी भी क्वाइन को आप बाय कर सकते हैं, किसी भी क्वाइन को सेल कैसे किया जाता है और क्वाइनेक्स में कैसे डिपॉजिट किया जाता है इंडियन करेंसी को और कैसे आप सेल करके अपने बैंक में विड्रॉ लेते हैं, ये हम पिछले वीडियो में बताए थे। दोस्तों आज का वीडियो भी जो मल्टी क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वाइनेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए सारा कुछ तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसमें KYC सबमिट किया जाता है। बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका क्वेश्चन था कि सर इसमें KYC सबमिट करने में हमको परेशानी आ रही है, KYC पे एक वीडियो बनाइए। तो KYC कैसे सबमिट किया जाता है इस पर हम आज एक वीडियो आपको बनाने जा रहे हैं, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर स्टेप कंप्लीट से समझ में आ जाए। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि इसमें क्वाइनेक्स जो है ना मोबाइल के थ्रू आप KYC सबमिट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। लैपटॉप या कंप्यूटर में आप लॉगिन कर लेंगे, मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए आप अपने यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, नाम के सामने आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद देखिए खुल रहा है दोस्तों, ऐसा ये आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे में आएगा आपको सेम ऐसा ही इंटरफेस आएगा प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद देखिए आपको यहाँ आ जाएगा आप डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है आधार कार्ड पे लिखा है वही डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, पैन कार्ड नंबर यहाँ दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर यहाँ दीजिएगा, आप अपना फुल नेम यहाँ लिखिएगा जो पैन कार्ड पर लिखा हुआ है, फिर आपका एनुअल इनकम क्या है वो लिखिएगा, रेसिडेंशियल क्या है आपका इंडियन यहाँ दीजिएगा, इंडिया के रहने वाले ही हैं तो यहाँ आप अपना एड्रेस देंगे, यहाँ सिटी लिखेंगे, यहाँ स्टेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना पिन कोड देके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। फिर बैंक डिटेल यहाँ भरिएगा, IFSC कोड दीजिएगा, यहाँ बैंक का नाम दीजिएगा, जैसे आपका स्टेट बैंक है PNB है स्टेट बैंक है तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे, ब्रांच कौन सा है ब्रांच का नाम दे देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, फिर रिपीट अकाउंट नंबर सेम देंगे वही, फिर आप अकाउंट होल्डर का नाम देंगे। ध्यान रखिएगा जिस जो अकाउंट आप दे रहे हैं जो नाम यहाँ लिख रहे हैं वही नाम से आपका ये क्वाइनेक्स में भी आईडी होना चाहिए। फिर आपका अकाउंट टाइप क्या है, आपका बिजनेस मैन है करेंट अकाउंट है तो करेंट दीजिएगा, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिखिएगा यहाँ, फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ देंगे, देखने के बाद आप यहाँ सेव कर देंगे दोस्तों, सेव पर क्लिक करेंगे ये तो आपका हो गया। फिर आप आके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, यहाँ पैन कार्ड यहाँ से चूज करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप पहले तैयार करके रखिएगा डेस्कटॉप पे, पैन कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद ऐसे किया जाता देख लीजिए, ऐसे ही होगा पैन कार्ड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ शो करेगा पैन कार्ड, देखिए हो रहा है अपलोड होने के बाद। फिर आप यहां आधार कार्ड भी फ्रंट और चूज कर लीजिएगा, आधार कार्ड का फ्रंट चूज कर लीजिएगा, जो भी होगा आप फाइल तैयार रखिएगा पहले, आधार कार्ड का फ्रंट आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जो है यहां बैक साइड का आधार कार्ड का चूज कर लीजिएगा, फिर आप अपना फोटोग्राफ चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका KYC आएगा ऐसा, फिर सबमिट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हमने अभी डिटेल नहीं सारा डिटेल नहीं दिया इसीलिए ऐसा आ गया, आपका पेंडिंग में दिखाएगा ये सबमिट करने के बाद। फिर 48 घंटे यानी कि 2 दिन में आपका वेरीफाई हो जाएगा सारा कुछ सही रहा तो KYC कैसे सबमिट किया जाता इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बता दिए।
अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में जाके अपना राय ज़रूर दें, और आपको यदि कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि केवाईसी कैसे सबमिट किया जाता है Koinex पे। बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनको सबमिट करने में केवाईसी प्रॉब्लम होता है Koinex पे, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है कि ये सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही होता है। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के ज़रिए ही करें, तभी आपका केवाईसी सबमिट हो पाएगा। अभी इसका जो है ना ऐप वगैरह कोई नहीं है, मोबाइल में ये काम नहीं करता है अभी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।